मीना और मेरे साथ हैं गुल, और हम आज अपना प्रोग्राम लेकर आए हैं बातों ही बातों में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ समीना और फिर हाजिर हूँ आज अपना प्रोग्राम लेकर बातों ही बातों में। नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आजकल हमारा मुल्क पाकिस्तान सैलाब की जद में है और चारों तरफ से इसको सैलाब ने घेरा हुआ है। खासतौर पर हमारे इलाके सिंध, बलूचिस्तान और कुछ इलाके अपर एरियाज के, नॉर्दर्न एरियाज के, वो भी इसकी जद में आ चुके हैं। और इसी वजह से आज हमने जो है अपने इस प्रोग्राम को सैलाब के लिए डेडिकेट किया। नाज़रीन, आज मैं जो है इस बात की बहुत अल्लाह से, अल्लाह के ममनून हूँ, अल्लाह के शुक्र गुजार हूँ कि उसने मुझे ऐसे लोगों के साथ जोड़ा है और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में हमें मिलाया है जिनकी हमारी जो कर्ता है उन्होंने भी एक फाउंडेशन खोली हुई है जो कि बहुत ज्यादा मशहूर है हो गई है माशाल्लाह से। अल्लाह का शुक्र है, हम लोग पाकिस्तानी यहाँ जब यहाँ कैनेडा में होते हैं तो कहते हैं ना, दूर से जब मुल्क को देखते हैं तो हमें और हमारे लिए मोहब्बत जागती है हमारे दिलों में हमारे वतन के लिए। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे मुल्क में ऐसे सियासी लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो आज हम इस काबिल हो गए हैं कि हम खुद उन पर ट्रस्ट नहीं करते। और हमें ऐसे जब वाकयात होते हैं, ऐसे जब हालात होते हैं मुल्क में, कोई इमरजेंसी हो जाती है तो हम डरने लग गए हैं कि हम क्या करें या क्या ना करें। तो इसी चीज को आज क्लियर करने के लिए, क्योंकि मैं देख रही हूँ बहुत से लोग जो है डोनेशन देना चाह रहे हैं लेकिन फिर भी वो डर रहे हैं कि किसको दें किसको नहीं दें, कौन सच्चा है कौन झूठा है। हर एक ने अपनी एक अलग, कहते हैं ना, मस्जिद बना ली, ऐसे हर एक ने अपना अपना एक मिशन बना लिया है। डर गए हैं अभी हमारे यहाँ जो फॉरेनर्स हैं, हम लोग जैसे कनाडा में हैं और दूसरे मुल्क में जो लोग रहते हैं जो कि पाकिस्तानी अपने मुल्क में नहीं है, वो लोग घबरा गए हैं कि अब हम डोनेट करें तो किसको करें, किस तरीके से जाए, कौन सी ऐसी फाउंडेशन है, जबकि हमें मालूम है कि हमारे मुल्क में ज्यादातर लोग जो है एबी फाउंडेशन है, रेड क्रिसेंट है, हिलाले अहमर जिसे हम कहते हैं वो है, और आपके इकना वाले यहाँ पर हैं, वहाँ पे सलाई है, बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं अब जानती भी नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग जो है ना एक डर लगा रहता है। तो आज मैं अपने प्रोग्राम के हवाले से ये करूंगी कि मैं ये चाहूंगी कि आप लोगों की मैं इंट्रोडक्शन कराऊं हमारे अपनी जो एक फाउंडेशन बनी हुई है आवाज एंटरटेनमेंट की, क्योंकि हम भी मीडिया से, हमारा भी चैनल है और हमारी ये ऑर्गेनाइजेशन काफी अरसे पुरानी है, ये नहीं कि आज की है। तो इसलिए मैं अपने स्टूडियो में, मैंने कोई मेहमान नहीं बुलाया, मैं अपने हमारे स्टूडियो के दो बड़े खास लोग जिनसे कहेंगे, समीना जबीन जो कि हमारी चेयरमैन है, हमारे सीईओ हैं आवाज एंटरटेनमेंट की, और दूसरी हमारे साथ हमारे खालदा अजमल हैं जो कि हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा शो करती हैं बच्चों का। खालदा जो है वो एजुकेटर हैं, खालदा ने पाकिस्तान में जब वो थी, जब उन्होंने बहुत ज्यादा वेलफेयर किया है, बहुत ज्यादा काम किया है उन्होंने, तो मैंने कहा ये एक अच्छा फाउंडेशन जो बना है कि अच्छे करता दर्दा है, जिन्होंने पाकिस्तान में देखा है, खुद से देखा है कि क्या क्या इन्होंने किया है और कैसे उस वक्त हालात होते थे जो एकदम पलट चुके हैं अभी। तो सबसे पहले समीना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ज्यादा टाइम निकाला मेरे शो में आने के लिए, और मैं चाह रही थी कि आप लोगों को बताएं कि आवाज फाउंडेशन आपने 2019 से शुरू किया, तो इसके पीछे क्या मकसद था आपका। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि समीना आपने मुझे कहा और बहुत अच्छी कॉस्ट के लिए आपने आज मुझे बुलाया। तो हालांकि आपको पता ही है कि मेरा तो एवरीडे प्रोग्राम इस चैनल पे होता ही है, लोग कहेंगे कि समीना पे चैनल बैठी है, मगर मैं आज आपकी बहुत खुश नसीब हूँ कि आपने मुझे बातों ही बातों में, बहुत फेमस शो है इनका और लोग बहुत पसंद करते हैं, और इन्होंने इस प्रोग्राम को इस तरह किया कि है ना, ये सैलाब के लिए कर रही थी और अपने पाकिस्तान के लिए कर रही थी जो आधा पाकिस्तान डूब चुका है, बहुत अच्छी सोच लेकर आई थी। तो उन्होंने कहा नहीं, आपका बैठना बहुत जरूरी है, आपका आना बहुत जरूरी है। तो मैंने कहा चलें ठीक है, बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रही है तो हमें करना ही चाहिए, और हमें जब तक हम सब लोग मिलके नहीं करेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहले तो हम सबको एक होना होगा, जिस तरह आज हम सब बैठे हैं। हालांकि मेरी टीम में बहुत सारे लोग हैं, मैं तो चाह रही थी कि जब समीना ने मुझे कहा तो मैं चाह रही थी कि बहुत सारे लोगों को, सारी टीम को लेकर आए ज्यादा सारा, मगर वो पॉसिबल ना ही हो सका कि सबने कहा कि हम भी सभी अपने शो में जरूर इसको करेंगे, अपना प्रोग्राम करेंगे। तो जो भी अवेलेबल थे तो उसको समीना ने बुलाया, जो बातों ही बातों में बच्चों की दुनिया जो करती है वो भी हमारे साथ आज मौजूद है। तो बहुत अच्छा शो करती है समीना। बस मैंने ये सोचा कि हम, आपको पता है कि मीडिया में आने का मकसद भी मेरा यही था कि मैं लोगों के लिए कुछ कर सकूँ, लोगों के लिए कोई, लोगों की हेल्प कर सकूँ,
और इस तरह करूं कि लोगों को पता चले कि वाकई में कोई सच्चे तरीके से करता है। लेकिन कर तो इस वक्त भी बहुत सारे लोग हैं, जिस तरह आपने अभी बताया कितनी सारी एनजीओ है जो काम कर रही है, इतना वाले सब लोग बहुत अच्छे अच्छे से अपना वर्क करते हैं, अच्छे से काम करते हैं। तो हमने भी सोचा कि जब हम मीडिया में हैं तो कम से कम ये सारे कामों के साथ ये काम भी करें और लोगों की हेल्प कर सकें और लोगों की मदद कर सकें। इस वक्त हमारे पाकिस्तान को बहुत ज्यादा जरूरत है, इसी वजह से दोबारा से खड़े हुए हैं। काम तो कंटिन्यू हो ही रहा था, रमजान में ज्यादा हम लोग करते थे, हमारे नुमाइंदे हैं जो हर इलाके हर गाँव में वर्क करते हैं और बेचारे हमेशा रो के बातें कर फोन करते हैं, बात करते हैं कि यहाँ पर ये हालात है, यहाँ पे खाने को नहीं है, यहाँ पे समझिए अभी तो खाने की बात तो छोड़ी दे, लोगों की छत ही खत्म हो गई है, लोगों के सर से छत उड़ गई है, छत नहीं है लोगों के रहने के लिए, नहीं है कपड़े, नहीं है। अभी इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप समीना ने मुझे बुला भी लिया, तो मैं ये भी आप लोगों को एक और ऐलान करना चाह रही थी कि हम लोग इंशाल्लाह बहुत जल्द यहाँ पे, जिस तरह मुझे लोगों ने कहा है कि समीना आप कोशिश करें और अरेंज करें कपड़े, जो आप लोगों के पास कपड़े हैं जो नए कपड़े हों उनको जेंट्स के कपड़े अलग पैक करें, बच्चों के अलग करें और क्या कहते हैं लेडीज के अलग कपड़े पैक करके आप एड्रेस के ऊपर भेज सकते हैं यहाँ पर। वो भी हम कोशिश में लगे हुए हैं कि हम प्याई वालों से बात कर रहे हैं, अगर प्याई वालों से हमारी बात हो जाती है तो हम ये भी काम शुरू करेंगे ताकि उन इलाकों में हर चीज की जरूरत है। आपको पता है मैंने देखा हर चीज की जरूरत है। इसके साथ साथ नाज़रीन, यहाँ जब समीना ने ये बताया तो मैं चाहूंगी कि आप यहाँ पर एक छोटा सा हमारा पाकिस्तान से आया हुआ क्लिप देखें जो हमारे आवाज एंटरटेनमेंट आवाज फाउंडेशन का जो ग्रुप हमारा है सेक्शन उधर से आई हमें ये रिपोर्ट, तो आप वो रिपोर्ट देखें और कि किस तरीके से वहाँ काम हो रहा है। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बोलान की तहसील भाग मोहम्मद इब्राहिम कलवाड़ मेला में। यहाँ पर हालिया बारिशों में जो है बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी है, दर्जनों मकान यहाँ पर गिर गए हैं, गरीब जो बेघर मददगार यहाँ पर पड़े हुए हैं, इनका कोई जो है अभी तक माली इमदाद नहीं हुआ। यहाँ पर हमारे साथ शहरी भी मौजूद हैं, इनका कहना है कि हमारा सैलाब और बारिश में सब कुछ जो है बर्बाद हो गया है, लेकिन अभी तक हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कोई जो है माली मदद नहीं की गई। इनका कहना है कि हम जो है आवाज़ फाउंडेशन से अपील करते हैं कि हमारी जो है माली मदद की जाए। हम इनसे जानते हैं कि इनका क्या कहना है और उनको कितना नुकसान हुआ है। जी हमारे पास है, इसमें सारे मकान गिर गए हैं, देखो कोई भी अपनी मदद आप की है, किसने भी कोई चैनल वाले नहीं आया, न्यूज़ अभी आया, हम उसको गुजारिश करते हैं जो हमारे पास आवाज़ हम न्यूज़ को देते हैं जो हमारी मदद करें, देखें तुम्हें सारे हमारे मकान गिर गए हैं भाई। हमारे साथ एक दूसरा शहरी मौजूद है, हम उनसे जानते हैं उनका क्या नुकसान हुआ है और वो क्या अपील करते हैं। जी भाई हमारे देख रहे हैं मकान गिर गया है, मेहरबानी करके हम खुद अपनी मदद आम कर रहे हैं, मेहरबानी करके हमारी आवाज़ न्यूज़ से अपील है कि हमारी मदद करें। हाँ जी बिल्कुल, शहरियों का कहना है कि हम आवाज़ फाउंडेशन से अपील करते हैं कि हमारी बलूचिस्तान के तहसील भाग शहर में जो हमारी जितनी जल्दी हो सकते हैं, और मुखिया हज़रा से भी अपील है कि हमारी यहाँ पर मदद करें ताकि हम भी अपने बच्चों के साथ अपना घर में खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकें। जी पौड़ माला जी हालत है, पीर जी माला है सर, से कोई भी एनी टाइम तानी ना आयो आए, को भी पूछन भी ना आयो, फंड मंड मिले तो ना हां सही ना मिले तो आयो ही ना फंड हो जैसा जो एक कम पांची मदद पान कयो ऐसा जो दो भी नहीं दे सजा कम के आदत है पान ये। हम शुक्रगुजार हैं आवाज चैनल के कि वो आए हमारे दर्द में हमारा साथ दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त बरसात और सैलाब ने जो है हमारा सब कुछ खत्म कर दिया, हमारे घर सारे गिर गए, कुछ भी नहीं है। हुकूमत की तरफ से हमें जो है अभी तक कोई इमदाद भी नहीं मिली है। हम आवाज़ न्यूज़ फाउंडेशन को जो है अपील करते हैं कि वो इस दुख की घड़ी में बलूचिस्तान के इलाके तहसील भाग में जो है उनके साथ लोग ताउन करें। हमारे नाज़रीन आपने देख लिया होगा कि किस तरीके से ये आपको वीडियो आपने देखी अभी। अब मैं यहाँ समीना से इस के बारे में ये जैसे कह रही है कि कपड़े और जैसे हम और अभी कोशिश में लगे कि लोगों ने मुझे कहा कि समीना ये भी आप करें प्लीज, ये भी करें, लोग ईमेल पे बहुत सारे लोगों ने पैसे भेजे, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नहीं और आ रहे हैं पैसे, आ रहे हैं माशाल्लाह पैसे आ रहे हैं, लोग बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं, जिस तरह आप आगे बढ़ के ये काम में अपना हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, जैसे कदम से कदम मिला के अगर आप लोग चलेंगे तो इसके बाद ही कारनामा बनता है और हर चीज बनती है। कोशिश भी करेंगे कि खुद भी वहाँ पे चले जाएं, नहीं जा रहे तो मगर हमारी वहाँ पे टीम मौजूद है, आप लोग पैसे जो आप लोग देंगे तो यकीन कीजिए आपको बस मैं यकीन ही दिला सकती हूँ, बाकी तो कुछ नहीं कर नहीं। और हमारा पैसे आपके सही जगह पे लगेंगे। मैं कट करूंगी समीना आपको यहाँ पे कि हम लोग जो है ना नाज़रीन एक
बहुत अच्छी बात मैं आपको बताऊंगी, बहुत से लोग जो हैं वो आपको कहते हैं कि आप हमें 100 दे दो, 50 दे दो, आप दे देते हैं। एंड आई बिलीव, मैं ये नहीं कह रही कि ना दें, आप दे देते हैं और आप जो है ना इसको अपने अल्लाह पे भरोसा करके आप लोग दे देते हैं। लेकिन हम लोग का यहाँ पर एक और मकसद होता है कि हम यहाँ पे जब लीगली काम करते हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि हम आपको रिसीट दें डोनेशन की। तो वी आर गोइंग टू गिव यू डोनेशन की रिसीट, आपको मिलेगी। क्योंकि ये नहीं है कि आप इसको टैक्स में क्लेम ना करें, बल्कि जहाँ तक मेरा मानना है और जितना मैं समझ चुकी हूँ, अगर आप डोनेशन को आप टैक्स में आप देते हो तो वो टैक्स का जो पैसा है वो भी उनको जाता है। क्योंकि अगर आप डोनेशन देते हो और टैक्स की रसीद नहीं लेते हैं, यू आर नॉट क्लेमिंग इट, तो वो उनको डबल नहीं पहुंचता। अगर आप क्लेम कर लेते हो तो वो आप दोबारा दूसरा यूज, जैसे आपने $12 वापस ले लिए तो आप दोबारा को दोबारा दे सकते हो। ये एक छोटा सा मेरा मेरे ये था क्वेश्चन कि भाई डोनेशन की मैं रसीद कभी भी नहीं लेती थी। तो जब मुझे किसी ने समझाया, अकाउंटेंट ने समझाया, कंपनी ने समझाया कि नहीं, अगर आप डोनेशन देते हो तो डोनेशन की रसीद जरूर लो। जो टैक्स आप काटते हो ना, वो टैक्स 12 जैसे आपको डॉलर मिल गया वापस, यू कैन give back that money. तो आपका तो सर्कुलेशन पूरा गया, क्योंकि वो कंपनीज एग्जम्पशन होती है टैक्स से, तो उनसे वो नहीं लेते, तो इस वजह से वो टैक्स अटक जाता है बीच में। तो ये एक यहाँ पर बात थी, और यहाँ हम जो है आपको जरूर इस बात की गारंटी देते हैं कि अगर आप रसीद मांगेंगे नहीं तो भी हम आपको रसीद जरूर देंगे इसकी। तो नाज़रीन, मैं हमको आपको मैं जो है हमारा ईमेल भी बता देती हूँ। इसका ईमेल है samina@gmail.com, और ये ईमेल आप देख भी रहे होंगे, स्क्रॉल कर रहा है नीचे, तो आप इस पर आप हमें पैसे भेज सकते हैं, आप डोनेशन भेज सकते हैं, और ये गारंटी के साथ है कि आपको जरूर इसकी रसीद मिलेगी। इसके साथ साथ अब मैं ये बात इसको थोड़ा सा आगे लेती जाती हूँ, और मैं खालदा को थोड़ा इसमें इन्वॉल्व करती हूँ, क्योंकि खालदा का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है डोनेशन का एक ज़माने में। तो मैं खालदा से थोड़ा सा ये पूछना चाहूंगी, खालदा आजकल जिस तरीके की जो चल रही है, लोग घबरा रहे हैं देने में, और लोग अपनी ऑथेंटिसिटी बतानी पड़ रही है कि हम कौन है, राइट? तो उस वजह से उस आप मुझे बताओ आपका पहले जमाने का क्या एक्सपीरियंस था इस से। पहले तो मैं आपके बहुत थैंकफुल हूँ कि आपने मुझे अपने इस प्रोग्राम में बुलाया, जो कि बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव टॉपिक था। और दूसरी बात यह है कि आपके ये माशाल्लाह से साथ बड़े खूबसूरत प्रोग्राम दे रही है, छोटे छोटे प्रोग्राम है, लेकिन दैट इज वेरी ब्यूटीफुल प्रोग्राम। कोशिश में होते हैं कि सही ऑथेंटिक बात लोगों को, आई अप्रिशिएट यू कि आपने इतने अच्छे तरीके से आप चला रहे हो, बड़े खूबसूरत टॉपिक लेके चल रहे हो। दैट इज मैं बहुत आपकी कोशिश में है कि समीना को साथ दे। सबसे बड़ी बात है कि समीना की हमें प्रोटेक्शन मसल है, और जिसके वजह से हम लोग बड़ी इजीली और बड़े कंफर्टेबल तरीके से, बड़े खूबसूरत तरीके से जो कर सकते हैं चाहे कर सकते हैं। बिल्कुल, अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जी, पहली बात तो यह है कि समीना के जो फ्लड है वो आते क्यों है? जब हमारे चट्टानों से पानी जो है, बर्फ जो है चट्टानों पर पड़ी होती है, पिघलना स्टार्ट होती है, तो वो बारिश जब उसके साथ मिक्स हो जाती है तो फ्लड जो आती है उन एरिया में आते हैं जो लंबे इलाके होते हैं, जो नीचे की तरफ है, पहाड़ से जब पानी आता है ना, तो उसके से नाज़रीन फादर एजुकेटर भी हैं तो हमें बिल्कुल सही समझाएंगे। बता तो हो ना, हाँ, पता है ये फ्लड का जो है, और ये फ्लड पाकिस्तान का, क्योंकि वो उन इलाकों में ज्यादा आती है जहाँ निशेबी इलाके जाते हैं, यानी सिंध का इलाका है, बलूचिस्तान का इलाका है, या सवात का इलाका, आप देखें कि वो भी जो इलाके इस तरीके के जिनका ताल्लुक पहाड़ों के साथ और चट्टानों के साथ जाता है, वहाँ जब बारिश का जब बारिश का पानी, और ये आमतौर पर बरसात के महीने में, बिल्कुल जब बरसात होती है तो फ्लड जो है बरसात में होते हैं, और ये हमेशा पाकिस्तान, सारी दुनिया में बारिशें आती हैं, सब कुछ, लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि हमारे लोग जो है अभी तक इतने डेवलप नहीं हो सका, बेशक हमारा मुल्क जो है 75 ईयर ओल्ड है, लेकिन दैट इज स्टिल यू नो हमें जरूरत है कि हमें बहुत ज्यादा। तो ये जो लोग है खालदा कहते हैं कि डैम्स नहीं बनते, इस वजह से होती है ये। यही वजह है ना, क्योंकि उनको पानी को प्रोटेक्ट करने की जगह नहीं है ना, इसलिए ये फ्लड जो आती है। और आपको मैं यकीन करें कि मैंने पाकिस्तान में, मेरा क्योंकि एजुकेशन के साथ ताल्लुक था, स्कूल एजुकेशन कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, फिर टीचर स्टाफ डेवलपमेंट, जो टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज जो है मैं कराती थी, माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मैंने बहुत काम किया। और जब भी फ्लड आते थे, आप यकीन करो
कि मेरा ख्याल है कि मैं आपको कुछ पिक्चर दिखाऊंगी, मेरे पास पिक्चर्स भी मौजूद हैं सबूत के तौर पे कि हम इतना 2010 में जब आया था जी जी हाँ, इसलिए मैं पाकिस्तान में आया था 2010 में जो सलाम आया, 2005 में जो आया, उससे ज्यादा इस दफा आया है इस कंट्री में। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जब 2010 में आया था वो पंजाब की तरफ भी आया था जी जी, उसने पंजाब का एरिया भी कवर था उस वक्त। आप यकीन करो कि ये हालात थे कि बच्चे जो है, स्कूलों के बच्चे, कॉलेजों के बच्चे, यूनिवर्सिटीज के बच्चे पागलों की तरह पैसे इकट्ठे कर रहे थे अपनी सलाम के लिए। इसके अलावा हमने बहुत सारे कॉन्सेंट किए, मतलब बहुत सारे हमने प्रोग्राम किए, टेबलोस किए, चीजें की, ताकि किसी तरीके से पैसा जो इतना जज्बा, मैं कहूँ इंसानियत को बचाने का जज्बा जो है ना, ये बड़ी चीज है, आसान काम नहीं है। अभी भी आप देखो तो गरीब आदमी बहुत हेल्प कर रहे हैं। बिल्कुल, आप यकीन करो समीना, जिन तरह मैं थी जी, हम लोगों ने अपने सोने की चूड़ियां तक डोनेशन में दी थी। आपने दिया तो अल्लाह ताला ने आपको उसके बदले कितना कुछ दिया। तो अगर ये सोच लेके चले कि ये हम अल्लाह के लिए दे रहे हैं, अगर आप थोड़ा सा दे रहे हैं तो उसमें कितना ज्यादा, लेकिन मैं जाके आपके लिए आप सब आप लेकिन यहाँ पर मैं यहाँ पर एक बात ये करूँगी कि जैसे आपके जज्बे थे, आप लोगों दिया राइट, अब जो हालात हो गए हैं कंट्री के, उस वक्त पता है क्या था? उस वक्त क्या था, 2010 में भी ज्यादा रेड क्रॉस फाउंडेशन जो थी वो ज्यादा काम करती थी, ईडी काम करते थे, लोगों का ट्रस्ट था, ट्रस्ट था कि जहाँ चीज जा रही है वो सही सही जगह पे जा रही है। और आप यकीन करें कि ट्रक के ट्रक भर भर के हम लोगों ने भेजे, जब भेजे फिर वहां जाके हम लोगों ने चेक किया उन जगहों पे जा जाके कि वाकई चीजें पहुंची और वाकई पहुंची। खाने का सामान, अब तो ये खाने का सामान, बिस्तर, चादरें, कपड़े और क्या बर्तन, क्या कुछ नहीं था जो लोग लाते थे। और लोग पागलों की तरह मेहनत करते थे और करते थे, बच्चे तक हमारे स्टूडेंट जो है उन्होंने बहुत काम किए, बहुत वॉलंटियर काम किए। और अब ये बिल्कुल नहीं कर सकता, पूरा टीम चाहिए। दैट आई एम सेइंग कि काम जो था वो ग्रुप वर्क था। बस मेरी एक ही बात है जो मैं बार बार कह रही हूँ, आप लोगों को भी ये कह रही हूँ, लोगों, क्योंकि मैं लोगों से मिलती हूँ, ऐसे आप लोग मिलते हैं पब्लिक में हम होते हैं, तो हर अभी आप देखें, आप फेसबुक उठा रहे हैं, हर एक ने अपनी अपनी मस्जिद बना ली है कि भाई हम, मैं इसको डोनेशन दे रही हूँ। और आप यकीन करो इस तरीके का ये हो गया कि आप फोन उठाओ ना तो 500 फोन मैसेज आ जाते हैं, हम गरीब हैं, हमें कोई मार रहा है, आप पैसे दे दे, आप ये दे दे, तो पब्लिक घबरा, लोग बंद करना शुरू कर दिए। फिर ऊपर से पाकिस्तान का मीडिया तो सिर्फ पॉलिटिक्स की कोई बात ही नहीं करता, राइट, वहां पर भी यही लड़ाई हो रही है कि आप लोग पॉलिटिक्स के ऊपर क्यों बात कर रहे हो। और जो हम सुन रहे हैं कि भाई वहाँ पे सिर्फ पॉलिटिशियन आते हैं, घूमते हैं, चक्कर मारते हैं, चले जाते हैं, तस्वीरें उठाते हैं। और कल तो एक और बात मैंने सुनी कि नाज़रीन के वो ये कह रहे थे कि साहब आई डोंट नो सच है या गलत, बट कि वो आप हमसे कुरान उठा लो कि आप हमें वो दोगे तो हम आपको राशन दे रहे हैं, वरना आपको राशन नहीं दे रहे। तो ये सब चीजें हम सोचते हैं, सुनते हैं, तो हम जिन मुल्कों में रहते हैं ना इनको बड़ा फील होता है, क्योंकि यहाँ हम ऐसा देखते नहीं, इतना इनजस्टिस नहीं देखते, हर जगह पॉलिटिक्स में होता है, इतनी ऐसी इनजस्टिस नहीं देखती, तो हमें खुदा का खौफ आ जाता है। एक तो प्रोफेसर का फोन आया अपने वहां से, तो कहने लगी कि यहाँ की बहुत ज्यादा फाउंडेशन, बड़े बहुत ऊंचे लोग हैं, वहां के नाम नहीं मैं लेना चाहती, किसी ऐसी चीज है, उन लोगों ने जाके सिंध में लोगों को खाली 50-50 रुपीज दिए, और जबकि 50 रुपीज में कहती है कि वो एक प्याज भी नहीं आता ना। आप मुझे बताएं कि वो किस तरह लोग बेचारे जो है वो करेंगे। तो सूखी रोटियां दी है, सूखी रोटियां दी है लोगों को, तो मतलब कह रहे हैं इंसानियत के साथ अगर हमारी हमदर्दी नहीं है तो इंसान ही नहीं है, नहीं है। तो नाज़रीन ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, इसको मैं ज्यादा वो नहीं करूँ ताकि वो ना हो जाए मुझ पर, लेकिन मैं जो है ना आती हूँ दोबारा एक ब्रेक के बाद, और फिर अजमेर भाई से भी पूछती हूँ कि उनकी क्या राय है, और फिर मैं समीना से दोबारा आऊंगी और उनसे कहूंगी अब ये बताएं कि उनकी फाउंडेशन ने क्या किया था पहले और अब क्या करने का इरादा है। तो हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक और आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, बहुत ही मेरा तो दिल जो है ना वो
रोने को जी चाह रहा है कि भाई क्या हो रहा है, हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि हम जब बाहर के मुल्कों में बैठे होते हैं तो हमें सिर्फ अपना मुल्क नहीं होता, हम अड़ोस पड़ोस में भी देख रहे होते हैं। हमारे साथ, हम अगर कहते हैं 70 साल के हैं तो हमारे साथ इंडिया भी 70 साल का है, हमारे साथ बांग्लादेश उससे कम सालों का है। हम क्यों 70 साल का होने के बावजूद भी हम उनसे 70 साल पीछे हो गए हैं? तो इस वजह से इसमें बहुत बड़ी बहस है और बहुत लोग मुझे अच्छा भी बोलेंगे, मुझे बुरा भी बोलेंगे। मैं जरा सा एक का नाम ले लूंगी तो 10 गालियां मुझे पड़ेंगी। तो मैं इसीलिए मैं हौसला समीना की तरह नहीं है कि जो पॉलिटिक्स के प्रोग्राम करती हैं वो हैंडल कर सकती हैं, हम लोग जो है ना नहीं कर सकते। तो अब मैं आती हूँ अजमल भाई के पास और अजमल भाई से पूछती हूँ, आप मुझे बताएं अजमल भाई कि आप भी जैसे हम बात कर रहे थे कि सिंध में ये हो रहा है, जैसे मैंने आपको कहा हम 70 साल पीछे जा रहे हैं बनिस्बत है आगे, हम अपने आपको किससे कंपेयर करेंगे, इंडिया से करेंगे, हमारे ही हिसाब से, राइट? तो आप मुझे बताएं इसके बारे में। आपका बहुत शुक्रिया। असल बात ये है कि ये तो अल्लाह ताला की तरफ से ही है, आफत है, ये आफत है, अजाब है, आजमाइश है, आजमाइश है। वहां सिंध में तो वडेरा जो है राज है, गांव के गांव जो है उसपे एक वडेरा जो है वो हाकम है, बिल्कुल। और वडेरा होगा शहर में, उसकी बड़ी बड़ी कोठियां हैं, गांव में है कच्चे मकान, कच्चे लोग वहां रहने में, सब कुछ जिस तरह भी है, खाना मिला ना मिला एक वक्त का, कभी वोट लेने के लिए वो आ गए, सब कुछ हो गया। जब ये मुसीबत आई है मैं तो देख के मेरे रोंगटे खड़े हो गए और रोना शुरू कर दिया कि एक औरत है वो दुपट्टे के साथ अपने बच्चे की लाश को खींचे लेके जा रही है। तो मैंने कहा अल्लाह मियां रहम कर दे, हमारे मुल्क पे रहम कर दे, हमें जालिमों से बचा। ये पता नहीं क्या मुझे नहीं बारिशें हो रही हैं, अब 2010 में भी आया, उसके बाद भी थोड़े थोड़े सैलाब हर साल आते ही है। मगर हुकूमत वहां का जो वडेरा है या वहां के जो लोग हैं उनको चाहिए इसका सद्देबाप करें। वो बेचारे गरीबों को खून चूसने में लगे हैं, तो हो नहीं रहा, कच्चे घर मकान के मकान जो है उनके अंदर बच्चे लेटे हुए हैं, सोए हुए हैं, और वो तो इनकी एक जागीर है ना, एक आम गरीब लोग हैं, जाने तो मर गए कुछ नहीं, फिर उनका ये दिल है मकानों का, वही जहाँ से ये सैलाब आ रहा है उसी को उसका रुख कहीं और मोड़ दिया जाए, उधर समुंदर भी है उस तरफ का कोई ऐसा प्लानिंग कर दी जाती कि पानी का रुख जो है उस तरफ चला जाता। सिंध में तो ये चांस था, जेलम का ये आपका सखर का जो दराज है, ये दूसरे जो आते हैं बड़े उसमें भी ये जा सकता है, मगर मैंने तो अखबारों में और टीवी पे भी यहाँ तक सुना है कि उन्होंने अपनी जमीनें बचाने के लिए पानी का रुख जो है वो इधर कर दिया, और डूबते हैं तो डूबने दो, हमारी जमीनें ऐसा ना हो कि हमारी गंदम खराब हो जाए या हमारे कोई ऐसी जो फसलें हैं वो तबाह हो जाए, उनका रुख ही चेंज कर दिया और बेचारे गरीब जो है। तो यही तो वजह है ना कि हम जैसे लोग जो इतना सोशल मीडिया में आ गए हैं, इतना दूसरी एक दुनिया हमारे हाथ में आ गई है, तो हम लोग के लोग बहुत से डरते हैं कि पता है कि पैसा तो जो भर रहा है उसको तो जाने का ही नहीं है, बड़ी रहा एक और जमीन ले लेगा, राइट? वो अपना ही घर में एसी ठीक कराएगा, 10 AC और कर लेगा, वहां पहुंचेगा नहीं। मैं बताऊं लोगों में जज्बा देने का बहुत है, बहुत है, ये ऐसी बात नहीं है कि लोग, क्योंकि इंसानियत हर इंसान के अंदर है, खुदा ने हर इंसान को मतलब कि मखलूक के अंदर एक मोहब्बत पैदा की अपनी, ठीक है ना, इंसानों के साथ प्यार है, मोहब्बत है, लेकिन क्या है, कैसे करे वहां, क्या करे वो, क्योंकि एतमाद नहीं है, एतमाद नहीं है, कॉन्फिडेंस, ये लोग करने नहीं देते, कहां जाए। आज तक इमरान खान की अगर हम बात करें तो लोग कहते हैं कि इमरान खान जो है ना उसने को डैम बनाना, हम एहतसाब, अब 3 साल में वो क्या कर लेगा जब तो 70 साल से तुम लोग कुछ नहीं कर सके, राइट? तो अब एक बंदे को हटाने के लिए उन्होंने अपनी सारी जिद और अनाप बढ़ा कर दी। अब आप मुझे बताओ जब ऐसी छोटी सी बात होगी तो आम आदमी को कौन देखेगा, क्योंकि उनका तो घर चला गया, बन गया, उनकी जमीन उल्टा ये लोग ले लेंगे, जमींदार चले जाएगा। तो अब अगर हमारे पास ऐसा है कि हम जाएं, कि मैं तो ये कहती हूँ कि अगर हम जाते हैं वहां पर जो सैलाब का जब पानी उतरता है तो हम जाके वहाँ पक्के मकान बना के दें तो ये सही बात है, बनिस्बत है कि हम दोबारा कच्चे मकान के लिए उनको पैसा दें। ये भी बाजी एक बड़ी अच्छी बात है कि आर्मी चीफ ने भी स्टैंड लिया, आपने भी देखा, मैंने भी सुना, देखा टीवी पे,
मुझे उनका ये बड़ा अच्छा है, बहुत ही अच्छा है प्लानिंग है कि सवात और ये इस तरफ जो है अब मकान जो बनाए जाएंगे, सड़कें जो बनाई जाएंगी वो बड़ी अच्छी। वो तो कहते हैं ना, करते तो नहीं है ना, क्योंकि ये जो पैसा है वो इसलिए कह रहे हैं कि हम जैसे लोगों का जो पैसा है वो उनको ले लें, वो ले लेंगे पैसा, फिर वो सड़क तो एक बनेगी, पांच इनके घर में जाएंगे। मतलब यही, हाँ आर्मी इस दफा थोड़ा सा स्टैंड ले लिया है। अजमल भाई आर्मी के तो खिलाफ हो गई ना पब्लिक, आर्मी ने तो मरवा दिया। मेरा ख्याल अब आर्मी थोड़ा सा स्टैंड ले लिया। बार बार घूम के पॉलिटिक्स में आ जाते जो की मेरा शोभा नहीं है। मैंने तो ये है की आर्मी का इस दफा स्टैंड है, अल्लाह करे की वो कुछ करे, क्योंकि उन्होंने जो हमें बदनाम कर दिया, जो 6-8 साल एक जो 3-4-6 साल से जो हो रहा था, और एक के बाद दूसरा प्रॉब्लम आता जा रहा है। चले ये तो बात नाजगी बहुत आगे बढ़ जाएगी, और मैं फिर कहीं दोबारा बार बार कहती हूँ कि मैं जो है ना न्यूट्रल बंदा रहने की कोशिश करती हूँ। बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए। ये मौका ही ऐसा है कि सलाम है इस वक्त पाकिस्तान गरीबों की मदद कर बचाए, अल्लाह इस अजाब से बचाए। हमारे जितने बहन भाई मुखैर हजरात हैं, हम भी उनसे अपील करते हैं कि वो चंदा इसमें डाले, कपड़ों चाहे कुछ भी हो जाए, आप गरीबों को दो भाई, कुछ तो दो बेचारों को, उन तक पहुंचे ताकि अल्लाह ताला खुश हो, अल्लाह ताला करम करे उन लोगों पे जो जिंदा बच गए हैं, जिनके खानदान खत्म हो गए हैं, उनको सबर दे और अच्छे लोगों से वो टकराएं, अच्छे लोगों से वो टकराएं, ना कि वो बेचारों की जो जिंदा रह जाते हैं उनकी जिंदगी और बेजार हो जाए और परेशान है, क्योंकि ये कहते हैं कि सारे लोग बुरे नहीं होते, अच्छे लोगों ये दुआ करो कि अच्छे लोगों से उनका वास्ता पड़े, अल्लाह मियां उनको अच्छे लोगों से वास्ता पड़े। कि जब हम लोग उस वक्त की बेगम मसूद सादिक हुआ करती थी, जो कि चलाती थी ये सारी रेड क्रॉस, मैं कहती हूँ कमाल की वो खातून थी, ऑनेस्ट लेडी थी, और जिस तरह वो मेहनत करती थी दिन रात, लगता था कि जैसे कोई तकलीफ अगर पाकिस्तान के ऊपर आई है तो वो तकलीफ उनके ऊपर चल रही है, अंदर महसूस करें आप लोगों की तकलीफ को, ऐसे समझेंगे ये हमारी अपनी तकलीफ है, ताकि आप इसमें आगे बढ़ चढ़ के काम कर सकते हैं और लोगों का सहारा बन सकते हैं, और लोगों का अंदर एतमाद जो है ना लेना बड़ी चीज है। तो समीना, अब मैं अगेन दोबारा समीना के पास आती हूँ और समीना से पूछती हूँ, समीना आप मुझे ये बताएं, आपने 2019 में फाउंडेशन यहाँ से शुरू की थी कनाडा से, तो सबसे पहले आपने मेरे ख्याल से क्रिसमस में आपने खाना, क्रिसमस में हमने खाना डिस्ट्रीब्यूट किया था, जाके टोरंटो में गए थे, तो जब अंदाजा हुआ कि हम सोचते थे कि जब मैंने बनाई थी इस फाउंडेशन को, तो मैं सोचती थी शायद पाकिस्तान हमारा गरीब मुल्क है, पाकिस्तान में बहुत देहात है, गांव है, तो वहाँ पे वाकई में बहुत बड़ी गुर्बत है, तो मैंने वही सोच के बनाया था, मगर एकदम अचानक ख्याल आया कि क्रिसमस के दौरान टोरंटो के साइड पे देखा जाए तो वहाँ पे भी तो बहुत सारे लोग हैं जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। जब हम गए यहाँ से खाना लेके अपनी टीम के साथ, जब हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, तो फिर हमें एहसास हुआ कि यहाँ पे भी बहुत ज्यादा गुर्बत है और यहाँ पे भी लोगों को हेल्प की जरूरत है, तो इंशाल्लाह ये फाउंडेशन यहाँ पे भी इंशाल्लाह अपकमिंग न्यू ईयर का जो आएगा तो उसमें हम लोगों ने बहुत सारे प्लान किए हैं, इंशाल्लाह हम लोग यहाँ पे हर एक को जो सर्दी की चीजें हैं वो जरूर देंगे, और जाके हमारी टीम पूरी जो है टोरंटो पे जाएगी और सबको देगी, इसलिए अब हमें आइडिया हो चुका उनको खाने के अलावा भी उनको पहनने के लिए गर्म कपड़े, ओढ़ने के लिए ब्लैंकेट वगैरह चाहिए, जब हमने ये यहाँ भी बहुत होमलेस हैं और उनके पास नहीं है बेचारे किस तरह रहते हैं, जब गए थे तो वहां से वीडियो भी बनाई थी, ताकि वीडियो इसलिए नहीं बनाई थी कि हमें कुछ प्रूफ देना था, बस हमने इसलिए बनाई थी कि लोगों को पता चले और लोग बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें, लोगों को पता चले कि यहाँ पे भी बहुत सारे जरूरतमंद हैं। तो मैं एक चीज और यहाँ पे पूछना चाहूंगी आपको कि अब आप जाहिर बात है आप हर साल रमजान में करते हो, और आज से पहले आप अकेले थे, अब हम लोग भी साथ हैं, एक कारवा एक से दो दो से बढ़ते चला जा रहा है, अब आपके पास माशाल्लाह चैनल के हवाले से बहुत सारी बड़ी टीम है, हम लोग सब कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग जो है ना इसमें सपोर्ट करें, और अल्लाह का शुक्र है नाज़रीन बहुत सपोर्ट हो रहा है, और हम लोग जो है ना जिस तरीके से समीना ने कहा कि कपड़े वगैरह, तो प्लीज नए और अच्छे कपड़े दीजिएगा, किसी को देने जैसे दीजिएगा, हमें वेलफेयर के लिए नहीं चाहिए, ऐसे वो पैक करें जैसे किसी को तोहफा दे रहे हैं, आप यकीन करें कि जैसे हम लोग करते थे ना, ऐसी जबरदस्त पैकिंग, इतनी खूबसूरत पैकिंग, उसके ऊपर बकायदा नाम, उस जो देता था अपना नाम लिखता था,
अच्छा। और वो नाम उसको, और ये क्योंकि उसको पता नहीं था ये जाएगा किसके पास, किसके पास जाएगा, लेकिन वो अपना नाम लिख के और दुआओं के साथ देता था इतनी खूबसूरत पैकिंग से कि आपको फिर पिक्चर दिखाऊंगी। मैं आज अपनी एक दोस्त फ्रेंड से बात कर रही थी, तो उसके दो छोटे छोटे बच्चे थे, वो सुन रहे थे बात, यही फाउंडेशन के बारे में जिक्र हो रहा था, और यही मैं बता रही थी कि इंशाल्लाह जमा हो रही है फाउंडेशन, तो उसने कहा कि ठीक है मेरी तरफ से भी तुम फाउंडेशन पैसे लिख लो कि मेरे ये पैसे ये वो, तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। तो उसके बच्चे सुने थे, तो उसने अपनी मम्मा से क्वेश्चन किया, और उन्होंने कहा कि हमारे पैसे भी तो जो जमा हमने किए अपने उसमें बैंक के अंदर जो है कोई चीज जो हम रखते खिलौना बच्चे का होता है, तो उन्होंने तीनों बच्चों ने बैंक अपना लेकर आया और लाने के बाद अपनी मम्मा के सामने खोला और खोलने के बाद गिनना शुरू कर दिया। तो वो उसके सोचिए उसकी आंखों में जज्बा, जज्बा वो देखे इतना जरूर देखे, और बच्चे देखे मैं हम कहते हैं कि बच्चे अपने काम में लगे हुए हैं, बच्चे लिसन नहीं कर रहे हैं, तवज्जो नहीं दे रहे, बच्चे हर चीज सुनते हैं और गौर से देखते हैं, काम करने के साथ साथ ना अपने पेरेंट्स की बात भी सुन रहे थे। उसकी मदर मुझसे बात कर रही थी और वो बच्चे उसको फॉलो कर रहे थे, उसकी बात सुन रहे थे, और उन्होंने फौरन अपनी मामा से कहा और लेकर आए और गिनना शुरू कर दिया कि, और बच्चों के काफी बच्चों के जो ना पैसे निकले, आपको हैरत होगी $400 बच्चों के पास से निकले, और उन्हें लिख के नाम लिख के अपनी मदर को दे दिए कि ये ले हमारी तरफ से ये फाउंडेशन दे दे आंटी को। तो इतनी मुझे खुशी हुई कि देखो देखो हर एक ने अपना हिस्सा डाला, हर एक ने अपना हिस्सा डाला, यानी घर के हर बंदे ने अपना अपना हिस्सा डाला। वो यही तो मेरा मेन मकसद यही है इस प्रोग्राम को आगे लाने का कि हम फाउंडेशन कर रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि हर एक ने एक छोटा छोटा करा हुआ है, तो ये ना कि एक सब मिलके करो, उनमें से कोई और को अगर ट्रस्ट नहीं है तो आप रसीद भी लो, और दूसरे ही कि आप खुद भी जाओ, आप वॉलंटियर करो कि भाई हम जाते हैं, हम देते हैं वहां पर जाके, हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो इस तरीके से बहुत सी चीजें होती हैं, बहुत से लोग जा नहीं सकते, हम लोग यहाँ बैठ के काम करते हैं, जा नहीं सकते, हम सिर्फ ट्रस्ट कर सकते हैं। अब बाकी जो है अल्लाह है उसको अपना हमारे अल्लाह के ऊपर हमें भरोसा है कि हम जो दे रहे हैं अपने ईमान से दे रहे हैं, रसीद लेना ना भूलें। और दूसरा ये मैं कहूंगी नाज़रीन कि अगर आप किसी भी, क्योंकि देखिए कोई भी फाउंडेशन होती है, अगर हम इमरान खान ने 2 घंटे के अंदर इतने सारे कर, क्योंकि उसका भरोसा हो गया लोगों के ऊपर कि वो करता है, और इसी तरीके से जब आपका किसी पे भरोसा हो जाता है ना, तो आप अरवा से काबा मिलाते हो और आप खुद सजेस्ट करते हो कि नहीं ये बंदा यहाँ पर रह गया इसको दे दो, क्योंकि हर एक से कोई ना कोई कांटेक्ट कर ही रहा होता है कि भाई यहाँ पे ये रह गया ये रह गया। अभी मैं कल परसों ही एक चैनल पे देख रही थी, तो वहाँ यही कह रहे थे कि जो आपके जो स्टूडियो के जो कैमरामैन और ये लोग हैं, ये जब जाते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो ये कितना करने लग गए हैं, ये लोगों से कह रहे हैं भाई करो, मतलब जो देख रहा होता है इंसानियत की तकलीफ कोई नहीं देख सकता। और कोई जो देख रहा होता है ना वो, और जो बेहिस होते हैं वो फायदा भी उठाते हैं, पांच हो गया बराबर नहीं, जो है हुकूक अल्लाह से ज्यादा हुकूक अल्लाह, क्योंकि अल्लाह आजमा रहा है ना, आजमाता है, क्योंकि आप इंसानों के साथ कैसी मोहब्बत कर, मेरी मखलूक के साथ आपकी क्या मोहब्बत क्या करते हो, राइट। तो वो यही चीजें होती है नाज़रीन जो हम चाहते हैं कि आप लोग से कहें कि आप लोग इसमें करें, इसका साथ दें। और फिर अगेन मैं लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, आती हूँ ब्रेक के बाद, और इस को यहाँ पर फिर हम वाइंड अप करेंगे, तो स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले सैलाब के ऊपर ही बातें हो रही हैं, पाकिस्तान की बात हो रही है, इंसानियत के ऊपर बात हो रही है कि आजकल का इंसान जो है ना, क्योंकि आप सब जानते हैं कि दुनिया बहुत छोटी हो गई है, ये एक सेकंड में हमें पता चल जाता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमारे हमें नहीं पता होता हम क्या कर रहे हैं, लोगों को हमसे पहले पता चल जाता है कि क्या हो रहा है। तो अब यहाँ पर अगेन मैं खालदा का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ, खालदा आई, लेकिन मैं यहाँ भूल गई थी कि खालदा ने बहुत अच्छी नज़म लिखी है सैलाब के ऊपर, तो खालदा मुझे सैलाब के ऊपर वो नज़म सुना के बताएं, पढ़ें थोड़ा, तो हमें भी जरा हमारे भी जज्बात से ही इंसान लिखता है, ऐसे नहीं लिखता। मैं टीवी देख रही थी तो देखा तो फ्लड की ऐसे लहरें चल रही थी और बच्चे जो है वो डूब रहे थे, कोई निकल रहे, इस तरह की कंडीशन में थी, तो एकदम से मेरे जेन में ना कुछ अशार आए, तो मैंने सोचा कि वो मैं आप तक बता। बिल्कुल। पानी में डूबते मासूमों को देखा मैंने, पानी में डूबते मासूमों को देखा मैंने, वो दिल खराश मंजर तुझे क्या बताऊं, क्या क्या देखा मैंने। वाह, उसको बंदा बयान नहीं कर सकता कि वो क्या था, दिल था जो मेरे काबू में ना था, दिल था जो मेरे काबू में ना था, आंखें थी जिसमें आंसू थमते ही ना थे। वाह,
आंखें थी जिससे आंसू थमते ही ना थी, वो मिट्टी के घरौंदे वो लहराते हुए खेत, वो मिट्टी के घरौंदे वो लहराते हुए खेत, वो मेहनत कश मजदूर किसान और चौपाए, वो पानी की तुगयानी वो हवाओं का जोर, वो पानी की तुगयानी वो हवाओं का जोर, उन तड़पते हुए को ले गई कैसे मौत समेट, वाह, उन तड़पते हुए को ले गई कैसे मौत समेट, इलाही रहम इलाही रहम इलाही रहम, हजरत नूह को तूफान से बचाया तूने, हजरत नूह को तूफान से बचाया तूने, अपनी रहमत के दरवाजों के दरवाजे फिर खोल हम पर, अपनी रहमत के दरवाजे फिर खोल हम पर, तू मालिक है हम इस हमें इस अजाब से निकाल मौला, आमीन आमीन। अल्लाह मियां बस हम सबको तौफीक दे कि हम लोग नेक काम कर सकें, हम अपने अंदर हम हर चीज करते हैं, घूमते हैं फिरते हैं नाचते हैं गाते हैं खाते हैं पीते हैं पार्टियां करते हैं सब कुछ करते हैं, अल्लाह मैंने हमें इस मुल्क में आने के बाद बहुत सी चीजें देखी नहीं जाती, नहीं बहुत ही मुश्किल दुख देखा नहीं जाता, इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता, जानवर को हम यहाँ नहीं देख सकते, मैं बता रही थी जानवर निकाल रहे हैं, औरतें जा रही है, मर्द जा रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं, कितनी तकलीफ थी कितनी अजियत, हम भी इंसान है वो भी इंसान है। और हमें इस बात का अफसोस सिर्फ इसलिए ज्यादा है कि हमारे मुल्क में लोग जो हमारे बड़े हैं जिनको हम अपने लीडर्स कहते हैं उनको खुदाए खौफ नहीं है, क्यों नहीं है, बस वो क्यों नहीं है खुदाए खौफ, या इनके ऊपर अल्लाह मियां ने कहते हैं ना कि वो ऐश की जिंदगी काट रहे हैं, हाँ, और अल्लाह कहते हैं ना ऐसे लोगों की मैं वो नहीं करता, मैं इनको ढील देता हूँ, मैं जब रस्सी खींचूंगा तब मेरे को जब उनको पता चलेगा, अब रस्सी मैं कब खींचता हूँ वो उसकी मर्जी है, राइट, उसके लिए भी उसने कोई गारंटी नहीं दी कि आज खींचेगा या क्या मत खींचेगा, राइट, लेकिन एहसास जरूर वो इम्तिहान देता है आपको कि एहसास करो सोचो, राइट, अब इसी से हमें पता चल जाता है क्योंकि हम लोग की खुद की एक नेचर होती है कि हम एक छोटे जानवर को तकलीफ में नहीं दे सकते, तो इंसान क्या चीज है जो जिस तरीके से भेड़ बकरियों की तरह उन्हें एक तरीके से मर ही रहे ना सब, बिल्कुल सब मर रहे हैं, वो खेत इतनी खूबसूरत, इंसान जानवर ऐसे ऐसे बह रहे हैं, बर्तन ऐसे बह रहे हैं, जानवर ऐसे बह रहे हैं, इंसान हम 75 years हो गए इस मुल्क को बनते, हम अभी तक एक चीज को समेट ही ना पाए, हाँ बस यही हम बार बार एक ही सवाल है कि 75 years हम प्लस नहीं हम माइनस हैं, बिल्कुल हमारे पड़ोसियों को देख लो हम इस तकलीफ से निकल ही नहीं पा रहे, हमारे पड़ोसियों को देख लो जिनके लोग जड़े की खानदान के खानदान आगे कहाँ कहाँ बढ़ गए, और हम जो है हम अपने आप को पाकिस्तानी कहते हैं लेकिन हम कहाँ है, इट इज अ फैक्ट नाज़रीन, इट्स अ फैक्ट, हमें इसको उस पे फखर नहीं होना चाहिए, हम इस पर अफसोस होना चाहिए कि हम जो है बात है बहुत बड़ी दुख की बात है हो गए हमारे कि हम गिरते हम अपना सर नहीं उठा सकते, नहीं उठा सकते, हम तकलीफ से तड़प रहे हैं, यहाँ पे भी लोग समझते शायद भाई पता नहीं क्या कर रहे हैं, लेकिन हमारे दिल दिमाग जो है ना अपने मुल्क के अंदर फंसे होते हैं, जरा सी तकलीफ उनकी बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो अब सभी ना मैं आपसे पूछूंगी जाते जाते आप हमारे नाज़रीन को थोड़ा और बता दें कि सैलाब वालों के लिए आपने कहा कि आप लोग अच्छे कपड़े भेजें ताकि अच्छे कपड़े भेजें और इसके अलावा टेंट वगैरह गिफ्ट की तरह भेजें, उनका दिल अच्छा हो, इसके अलावा भी जो लोग पैसे भेज रहे हैं तो यकीनन वहाँ पे हम लोग कैंप का भी सोच रहे इंतजाम करेंगे, मेडिसिन की बहुत जरूरत है, जो जो चीजों की वहाँ पे जरूरत होगी लोगों का, तो वहाँ की टीम कह रही है, ये भी बताओ किस एरिया में आपका किस एरिया में आपका ज्यादा है, मेरा तो समझे कि काफी जो एरिया है जो कुछ एरियो के नाम मुझे अभी याद नहीं है मगर गाँव के जो एरिए सिंध के साइड पे जो है हैदराबाद काफी लिस्टे आई है जो वीडियो में देखा है जहाँ वीडियो में मेरे नुमाइंदे खड़े हुए, तो वही एरिया को हम लोग कवर करेंगे, 3-4 एरिए सूबे हैं जो आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा, पता चल रहा होगा आपको कि वहाँ कितनी ज्यादा लोगों को जरूरत है, तो वहाँ पे हमने काफी चीजों का अरेंज कर रहे हैं, पाकिस्तान में बात हो रही है, वो कहते कि मेडिसिन भी चाहिए, तो आप यहाँ किस तरीके से भेज रहे हो, आप यहाँ किस तरीके से भेज रहे हो, भेज नहीं सकते मेडिसिन तो वहीं से वहीं से लेने के बाद लोग मेडिसिन का कैंप लगाएंगे बाकायदा, अच्छा डॉक्टर्स का से कांटेक्ट किया हुआ है, पानी जो है उनसे देखो इसमें ना मैंने देखा कि पानी से सांप निकल निकल के बिच्छू निकल निकल के इंसानों को काट रहे हैं, बहुत शदीद बीमार है, खाने के अलावा उनको दवाई भी चाहिए, दवाई टेम्परेचर में मुब्तला है तो वही पानी में भीगे हुए हैं ना, तो उनको टेंट है छत अभी भी बारिश हो रही है
और छत की बहुत ज्यादा जरूरत है, उनको कैंप की बहुत जरूरत है। अभी फिलहाल तो उनको कैंप ही प्रोवाइड किया जाएगा, बाद में इंशाल्लाह अगर फाउंडेशन ने काफी काम किया और डोनेशन ज्यादा जमा हुई तो इंशाल्लाह, कोशिश तो यही है कि उनको टाइम लगेगा कि उनको कुछ घर बना के दिए जाए, जितने भी कर सकते हैं तो वो भी काम करेंगे इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता। अब काम स्टार्ट हुआ है तो अब देखते हैं अल्लाह ताला अगर साथ देगा तो इस काम को यकीनन पाए तकमील तक पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। उन लोगों से आपसे बात भी कराएंगे, उनसे मुलाकात भी कराएंगे जिनको हाउस प्रोवाइड करेंगे फिलहाल, उनसे भी इंटरव्यू कराएंगे और इंशाल्लाह पूरी टीम आपको वहाँ पहुंचेगी भी, पाकिस्तान भी पहुंचेगी, उनसे बात भी कराएगी इंशाल्लाह। हमारे बड़े बड़े प्लान है, बस आप लोगों का साथ चाहिए। अगर आप लोगों ने साथ दिया तो इंशाल्लाह ये इसको जरूर इंशाल्लाह। तो नाजरीन अब मैं प्रोग्राम को खत्म करना चाहती हूँ। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, खालदा ने तो रुला भी दिया मुझे और अजमेर भाई का भी और सबीना का भी और सबीना का भी। और एक बार फिर मैं आपको ईमेल खुद से भी बता देती हूँ, आपको पता है नीचे आ भी रहा है, फोन भी आ रहा है, स्क्रोल भी हो रहा है, लेकिन एक बार फिर मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, samina.awazent1@gmail.com samina.awazent1@gmail.com। आ भी रहा है, स्क्रॉल भी हो रहा है, आप देखें, आपने वीडियोस भी देखी और आपको पता चल रहा होगा कि भाई आवाज फाउंडेशन अपना अब ऐसे ऐसे पैर जमा रही है और इंशाल्लाह हर मौके पर हम कोशिश करेंगे, हम चाहेंगे कि अच्छे मौके पर भी लोगों की खिदमत करें। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही, हम नहीं चाहते कि ऐसे दर्दनाक मौके आए दुनिया में जिंदगी में जो कि एक जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन ऐसे बहुत से काम हैं, फलाई काम बहुत हैं दुनिया में जो हम इससे इस बैनर के अंदर कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह फिर मैं बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का आया, इंशाल्लाह फिर मैं दोबारा अगले हफ्ते मिलूंगी मेहमान के साथ। थैंक यू, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।